एक टाइम था जब 50 की एज के बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता था, लेकिन आज के समय में तो बच्चों के भी जोड़ों में दर्द है। दोस्तों ऐसा क्यों है, क्या हुआ ऐसा कि हमारे जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई? आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति अपने हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, नसों की कमजोरी से परेशान है। 25-30 की एज में लोग बैठने के बाद उठ नहीं पाते। ये सब हुआ है दोस्तों हमारे लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से। वैसे तो हम अपनी सभी वीडियोस में ये बात आपको समझाते ही हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं, फिर चाहे वो नसों की कमजोरी हो, हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, या फिर डायबिटीज या कैंसर की प्रॉब्लम हो। सारी बीमारियों का इलाज एक ही है, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो बीमारियां अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं। अगर आप इन्हें समझ जाएंगे तो आप आसानी से इन्हें ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आप हर रोज डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे और ये जो पैसा आपने मेहनत करके कमाया है ये कुछ ही समय में आपका डॉक्टर्स ले जाएंगे। अब हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ डॉक्टर्स नीचे हेट कमेंट्स करें, लेकिन दोस्तों जो सच है वो सच है, क्योंकि आज के समय में डॉक्टर्स आपको न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं देते। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आपको क्या खाना चाहिए, वो बस आपको ये कहेगा कि ये बीमारी है तो ये दवाई ले लो, ये बीमारी है तो ये दवाई ले लो। कुछ दिन पहले मैं एक मरीज को मिलने गया जिसे दिल की प्रॉब्लम थी। वहां पर मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या खाने के लिए कहा है। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाइयां ले लेना, उसके अलावा खाने में तो कुछ भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये बात सुनकर हैरान होंगे, जो डॉक्टर ने उसे खाने के लिए दिया वो पैक्ड फूड था। अब आप ही सोचिए, किसी अस्पताल में खाने के लिए एक मरीज को, दिल के मरीज को पैक्ड फूड मिल रहा है, ऐसा खाना जो आपको खाना ही नहीं चाहिए, और वो खाना एक दिल के मरीज को दिया जा रहा है। अब इससे आप सोचिए बीमारी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगी। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप लगातार एक महीना सिर्फ फल और कच्ची सब्जियाँ खाइए, आपकी 95% बीमारियाँ एक महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगी। अब शर्त यह है कि आपको ये चीज करनी है। हम लोग वीडियोस तो बहुत देख लेते हैं, चर्चा तो बहुत करते हैं कि हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है, लेकिन जब बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है तो हम पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि हम लोग अपनी बॉडी को सही नहीं कर पाते। हम लोग पैसा कमाने के लिए 10 घंटे निकाल देते हैं, लेकिन जब बॉडी की बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास सैर एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा भी नहीं है। अगर आप अपने पूरे दिन के 24 घंटों में से 1 घंटा भी अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो आपके जो 23 घंटे हैं वो अच्छे से निकल पाएंगे, और ये जो आपकी जिंदगी है आप लंबे समय निरोगी जी सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हड्डियों का दर्द, वात रोग, नसों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस यानी गठिया को कैसे ठीक करें। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, बैठने के बाद खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों ये सारे जो दर्द हैं, जो भी बॉडी में दर्द है, इनके पीछे का एक ही कारण है जो आयुर्वेद कहता है, और वो है आपकी बॉडी में वात का बढ़ जाना। वात, पित्त और कफ, ये तीनों नाम तो आपने सुने ही होंगे। जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो वात, पित्त और कफ का नाम आता है। अब ये वात, पित्त, कफ क्या है, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते। आज की वीडियो में हम वात को ही समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वात के ऊपर है। वात यानी कि हवा, आप इसे गैस समझ सकते हैं। आप कभी कहते होंगे मेरे पेट में ज्यादा गैस बन गई, ये गैस और कुछ नहीं, ये वात है। अगर आपके पेट में गैस ज्यादा बनने लग जाए तो इसे कहते हैं वात का इम्बैलेंस हो जाना, वात दोष का बढ़ जाना। अब अगर आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है तो इसे वाई की प्रॉब्लम या वैवादी भी कहते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है, अब ये जो हवा है वो आपके शरीर में सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। ये हवा आपकी बॉडी से जब नहीं निकल पाती तो ये आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जमा होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से वो बॉडी पार्ट दर्द करने लगते हैं। ये गैस कभी कभार आपके सिर को चढ़ सकती है तो सिर में दर्द होगा, यही गैस अगर आपके घुटने में चली गई तो घुटने में दर्द, अगर आपके कहीं जोड़ों में चली गई तो वहां पे दर्द, पेट में रही तो पेट में दर्द। कहने का मतलब है बॉडी में कहीं पेन हो तो उसके पीछे का कारण आपके पेट के अंदर की ये गैस, आपकी बॉडी में वायु तत्व का बढ़ना है। अब इसे बैलेंस करने के लिए जो सबसे बढ़िया आयुर्वेद में चीज है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप उस चीज का सेवन हर रोज करना शुरू कर देते हैं तो आपकी वात दोष की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने लगेगी। दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है चूना। चूना बहुत ही सस्ता मिलता है, 2 रुपए की पुड़ी आपको मार्केट में मिल जाएगी, और ये एक पुड़िया आपकी 1 से 2 महीने चल सकती है, यानी कि 1 रुपए महीना में ये आपका सोल्यूशन होने वाला है। नहीं तो डॉक्टर्स के पास जाइए तो 150-200 रुपए तो उसकी फीस होती है, और उसके बाद जो हजारों रुपए की दवाइयां खानी पड़ती हैं वो अलग, और दवाइयों का साइड इफेक्ट उससे भी ज्यादा, और वो दवाई सिर्फ उसी बीमारी के लिए काम करेगी जिसके लिए आपने दवाई ली है। लेकिन जो चूना मैं आपको बता रहा हूँ, ये चूना एक बीमारी नहीं, 100 बीमारियां ठीक करता है। चूना लेना किस तरह से है, पहले दोस्तों उसके बारे में सुन लेना। ये नहीं कि वीडियो में सुन लिया कि चूना लेना है तो जाते ही चूने का एक चम्मच ले लिया, फिर आपको बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। आपको चूना कितना लेना है और कैसे लेना है ये जानना भी जरूरी है।
पहली बात तो चूने को सीधा ही नहीं लेते, इसको या तो दाल में, पानी में, दूध में, दही में, किसी में भी डाल कर लें। आप चाहें तो इसे जूस में डालकर भी ले सकते हैं। चूना एक दिन में कितना लेना है? एक इंसान को एक दिन में 1 ग्राम चूना लेना है। 1 ग्राम चूना एक गेहूं के दाने के बराबर होता है। बस इतना चूना हर रोज लेना शुरू कर दीजिए। ये चूना बहुत सस्ता है, कुछ पैसे में, 1-2 पैसे में आपको ये चूना एक दिन का मिल जाएगा। यानी कि 1 रुपए में पूरा एक महीना आपका चूना चल सकता है। और इतना सस्ता सोल्यूशन आपकी कौन कौन सी बीमारियां दूर करेगा, जब उसके बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी जो आज की समस्या है जिसका इलाज आपको चूने से मिलने वाला है, और वो है दोस्तों प्रेगनेंसी में सिजेरियन ऑपरेशन का होना। आप देखिए, इंसान के अलावा इस धरती पर हजारों लाखों प्रजातियां हैं। क्या किसी और जानवर का सिजेरियन होता है? क्या हम इंसान इन जानवरों से अलग हैं? अगर हम दिमाग को छोड़ दें तो दिमाग को छोड़कर हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिससे दूसरे जीव मिलकर बने हैं। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में सिजेरियन ऑपरेशन क्यों? क्यों हमारे ही बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं? क्या हमारे बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन आजकल हमारी बॉडी में वो ताकत नहीं है। तो इसलिए लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं, उनको 1 ग्राम चूना अपने पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान अनार के रस में डालकर लेना है। बस आपको ये आदत बनानी है कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको 1 ग्राम चूना 1 गिलास अनार के रस में डालकर दिन में कभी भी ले लेना है। ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बिल्कुल सेफ है, और इसके साथ आप देखेंगे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो भी 100%। अगर आपको डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आपकी सिजेरियन ऑपरेशन ही होगा, आप इस चीज को ट्राई कर लीजिए, आपका सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होगा। इसके अलावा इनफर्टिलिटी में ये चूना बहुत अच्छा होता है। आज के समय में बैठे रहना, टाइट कपड़े पहनना, इन कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनफर्टिलिटी ठीक हो जाए, लेडीज में अगर डॉक्टर ने यह कहा है कि आप मां नहीं बन सकती, तो मेरा चैलेंज है आप 3 से 6 महीने चूने का इस्तेमाल करके देखिए, आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा। छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी चूना बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की हाइट बढ़ जाए, तो उनको जरूर चूना खिलाएं, हर रोज चूना खिलाएं, इससे उनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ेगी। चूना हमारे दिमाग को भी तेज करता है। अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को तेज करना चाहते हैं, अपने दिमाग को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चों के पेपर्स में अच्छे मार्क्स आएं, तो आपको चूने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दांतों के दर्द में चूना बहुत अच्छा है। अगर आपके दांतों में बहुत दर्द रहता है, डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपको अपना दांत निकलवाना पड़ेगा या दांत डेड करवाना पड़ेगा, तो कोई जरूरत नहीं है दांत को डेड करवाने की, सिर्फ आपको चूना खाना है। चूना हमारे दांतों के दर्द को बिल्कुल ठीक करता है। दोस्तों, दांतों में दर्द का कारण ही बॉडी में कैल्शियम की कमी होता है, और चूना तो है ही पूरा कैल्शियम। जब आप चूने का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर होगी और आपके दांतों का दर्द देखते ही देखते गायब हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक चूने के जरिए कैसे आप अपनी ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 1 रुपए में आपकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इतना सस्ता सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बस जरूरत है तो इन बातों को समझने की और इन्हें जिंदगी में अपनाने की। इसके साथ ही साथ आपको अपने जीवन में कुछ और बातों का ध्यान रखना है। खान पान में सबसे बड़ी बात 50% चीजों को कच्चा खाना है। मैं अपनी हर दूसरी वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ। अब कितने लोग इस बात को मानते हैं, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जब भी आप कुछ खाते हैं तो पहले ये सोचें कि क्या ये चीज मेरे लिए अच्छी है, क्या मुझे इसे खाना चाहिए। सिर्फ टेस्ट के लिए ये चीज मत खाएं, ये देखें कि क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। अगर अच्छी है तो उसका सेवन करें, नहीं तो उस चीज को छोड़ दें। ये 2 मिनट का टेस्ट आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आपको पानी पीते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, पानी को बैठकर पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना, खाना खाते समय तो बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। इसके साथ ही पानी अगर पीना चाहें तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पिएं, जितना हो सके गुनगुना पानी ही पिएं। तो दोस्तों, अगर आप पानी से जुड़े हुए नियमों का ध्यान रखते हैं तो भी आप जिंदगी में बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के बहुत छोटे छोटे ये नियम बताए गए हैं। अगर आप इन नियमों को जिंदगी में अपनाते हैं तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि नसों की कमजोरी, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को हेल्प मिल सकती है। अगर आप हमारे इस हेल्थ चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।